हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण। इसमें हम लोगों ने बीते दिनों देखा वचन, है ना। वचन का क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया है और आप लोग बार बार कंफ्यूज करते हो कि किस में क्या लिखना है। अगर मैं कॉपी में लिख के आप लोगों को सेंड कर रही हूँ तो वो चीज़ आपको कॉपी में ही लिखना है, और जो चीज़ मैं बुक में लिख के आप लोगों को इस वे में भेज रही हूँ तो आप लोगों को कॉपी में लिखना है, ठीक है। फिर भी बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि किस में लिखना है। इतना क्लियरली बताने के बाद भी आप लोग बार बार एक ही चीज़ पूछते हो, और आज मैंने बहुतों का कॉपी करेक्शन किया, एकदम ही बहुत ही रफ तरीके से था। आप लोग कॉपी नीट एंड क्लीन रखा करो। जिस वे में मैं कॉपी भेजती हूँ आप लोगों को, उसी वे में मुझे कॉपी चाहिए ताकि करेक्शन करने में ईजी हो। आप लोग बहुत कोई लगता है बहुतों को लिखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आप लोग अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखा करो ताकि मिस को भी अच्छा लगे, है ना। बहुत लोग कॉपी ही सबमिट नहीं किए हैं। हम बोले कि एवरी ट्यूसडे मैं स्कूल जाती हूँ, तब तक आप लोग कॉपी सबमिट कर देना, ट्यूसडे को मैं चेक करूँगी तो फिर आके फिर आप लोग ले लेना, ठीक है। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 7, सरनाम, यानी इंग्लिश में आप लोग इसको बोलते हैं प्रोनाउन, सरनाम, है ना। सरनाम क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सरनाम कहते हैं, है ना। फिर से, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सरनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने पाठ याद कर लिया? रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। मान्या ने नेहा से कहा, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? देखिए क्या बोलता है ना, ऊपर दिए वाक्यों में तुमने, वह, मैं, आप शब्द सरनाम है, ठीक है। मैं, तू, तुमने, वह, मैं, आप, ये सब क्या है? ये सब आपका सरनाम है। ये क्रमशः श्रुति, रोहन, मान्या तथा दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बन जाता है, ठीक है। इसको आप लोग समझो कि संज्ञा के बदले, मतलब जैसा तुम किसी को उसके नाम के बदले उसको पुकार रहे हो, वाह, यहाँ, वहाँ, ये सब आपका सरनाम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एकवचन और बहुवचन, ठीक है। जिस प्रकार संज्ञा में एकवचन तथा बहुवचन होता है, उसी प्रकार सरनाम में भी एकवचन और बहुवचन होता है। जैसे सरनाम, मैं का, हम, आप लोग, किसे, किन्हें, एकवचन, तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब या ये, ठीक है।